आज जो कार्यक्रम रखा है उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, यह कार्यक्रम 7 दिसंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अंबेडकर समागम कार्यक्रम करने का पार्टी ने निर्णय लिया है। और उस कार्यक्रम में बिहार से 50,000 की संख्या में लोग वहां पर आने वाले हैं। और बिहार में जो निरंकुश सरकार चल रही है, ये जुल्मी सरकार जो बिहार के अंदर चल रही है, इसके खिलाफ उस दिन का एक ही नारा रहेगा, दलितों के सम्मान में भाजपा है मैदान में। आपकी सरकार गरीब जनता को लिए क्या करेगा? हमारी सरकार गरीब जनता के लिए ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार समर्पित है। एक पहले महागठबंधन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो कहते थे कि ये हमारी सरकार मुस्लिमों के लिए समर्पित है, एक धर्म विशेष के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, गरीब लोगों के लिए समर्पित है। इसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और 7 दिसंबर का कार्यक्रम विशाल जनसैलाब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर, और मसौली से भी कम से कम 5,000 की संख्या में मसौली से लोग भी जाने का काम करेंगे। और गरीब युवाओं के लिए, युवाओं के लिए अभी देखे, 4 दिन पहले 54,000 लोगों को प्रधानमंत्री जी ने रोजगार नौकरी देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी के 9 साल के कार्यकाल में 9 लाख लोगों को नौकरी देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अभी जो 5 स्टेट में चुनाव हुआ, हम तो उन प्रदेश के आम वोटरों को, मतदाताओं को सबसे पहले धन्यवाद देंगे। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। यह नरेंद्र मोदी जी का प्रयास का प्रतिफल है कि जनता नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करती है और भारत से कांग्रेस मुक्त देश भारत बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश में दिखाई दे। Gracias.